महंगाई की मार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम पर भी भारी पड़ रही है। पाकिस्तान में सीएनजी की कीमत इन दिनों सातवें आसमान पर है। लोगों को एक किलो सीएनजी के लिए 300 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सीएनजी की कीमतों पर डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को समाप्त करने की कोशिश में लगी है। एआरवी न्यूज की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीएनजी की कीमतों में 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में सीएनजी 300 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल सामी खान ने कहा कि रीगैसीफाइड लिक्विड नेचुरल गैस यानी आरएलएनजी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। कीमतों की बढ़ोतरी पर गुस्सा जाहिर करते हुए चेयरमैन ने कहा कि सीएनजी सेक्टर में अरबों का निवेश बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएनजी की कीमतें बिना किसी सलाह के बढ़ाई गई हैं। सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक सीएनजी को सस्ता ईंधन माना जाता है, लेकिन भारी बढ़ोतरी से इसकी मांग खत्म हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि सीएनजी क्षेत्र को रियायती दरों पर आरएलएनजी प्रदान की जाए। बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ बातचीत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के कारण सरकारी खजाने को हर महीने 102 अरब का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बात भारत की करें तो पाकिस्तान की तरह भारत में भी कुछ शहरों में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली NCR में सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार 15 मई 2022 से सुबह 6 बजे से लागू हो गईं। दिल्ली में अब सीएनजी गैस 73 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद की बात करें तो यहां सीएनजी गैस की खुदरा कीमत 76 रुपये 17 पैसे प्रति किलोग्राम है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।